I want to ask you more sensitivity and sorry. I don't know. Whenever he says, I just kind of look at him. Okay. I want to ask you in all sensitivity and sincerity. कि हमने आपका देखा है आपका करियर यू हैव टेकन मतलब आपने अपने कुछ खुद के रूल्स बनाए खुद के मापदंड स्थापित किए क्या मतलब यू हैव मेड योर ओन स्पेस एंड ऑन योर ओन टर्म्स ऑन विच यू हैव वर्क्ड तो हम लोग ये समझना चाहते हैं क्योंकि कई चीज़ें जैसे नाउ यू हैव एज एन एक्ट्रेस यू हैव मैच्योर्ड ऑल्सो एंड अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडस्ट्री ऑल्सो सो वॉट आई रियली वॉन्ट टू आस्क यू कि प्रॉब्ली आपने उनके बारे में सुना होगा ज़ायरा के बारे में किस तरह से समझे हम इस चीज को अगर आप हमें थोड़ा बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस से अपने अपने अनुभव से अपने चीजों से आई थिंक ये आप मुझसे पूछ रहे हैं इनफैक्ट आई शुड आस्क यू ऑल बिकॉज यू गाइज आर सो एक्सपीरियंसड एंड यू नो ऑफकोर्स आप लोग बड़े हैं मुझसे एज में तो आप लोगों को इसकी ज़्यादा समझ होगी इंस्पाइट ऑफ आस्किंग मी बिकॉज आई रियली डोंट थिंक वॉट टू से अबाउट इट इट्स हर डिसीजन इट्स हर लाइफ एंड आई विल जस्ट लाइक टू विश दैट कि वो जो भी करे वो खुश रहे जो भी वो कर रही है उसके माँ बाप खुश रहे उसकी फैमिली खुश रहे सिक्योर रहे और आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर ऑल द वेरी बेस्ट अगर वो कोई भी प्रोफेशन अब चूज़ कर रही है या फिर उसकी आगे की पूरी लाइफ के लिए एंड दैट इज़ ऑल आई लाइक टू से आई थिंक सबको राइट है अपने खुद के डिसीजंस लेने का और शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जितना टाइम वो यहाँ रही वो उसने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया सो या दैट्स इट इसमें ऐड ऑन और थोड़ा समझने की आपकी जैसे यू आर आल्सो यंग एंड यूथ एंड यू आर फॉलोइंग अ सिमिलर प्रोफेशन क्या जैसे उन्होंने लिखा पढ़ा जो भी लिखा उसमें आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टेक द लॉन्च बिकॉज़ वी वांटेड टू 111 भी करना एग्जैक्टली 111 भी टाइम इज अ कंस्ट्रेंट टाइम इज अ कंस्ट्रेंट ओके उन्होंने 5 मिनट कहा था अभी 2.5 मिनट हुआ सो आई वुड रिक्वेस्ट कोर सीनियर सर मैम एज अ यूथ बस इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करती इफ यू वांट टू अदरवाइज यू कैन लीव इट या आई थिंक आई लीव इट ओके